हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर वीडियो की स्टार्ट इसी कढ़ाई से और सरसों के तेल से, और मुझसे नहीं हो रही है, मतलब कढ़ाई से हो रही है, सीधा कढ़ाई आपसे मिल रही है। तो मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने हींग और जीरा गरम तेल में डाल दिया है, और जीरा जैसे ही चटक जाएगा उसके बाद जो मैंने प्याज लंबे लंबे काट के रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज हमेशा, मतलब भिंडी में प्याज हमेशा लंबे लंबे काट कर डाले जाएँ तो वो टेस्टी लगते हैं। मैं भिंडी नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसे लगता है, और मेरी बनाई हुई भिंडी दोनों बच्चों को पसंद आ जाती है। मैं जैसे ऐसे बोल देती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं अपनी सब्ज़ी की तारीफ़ कर रही हो रश्मि। तो अभी मैं ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं करूँगी, बस इतना बोलूँगी कि हाँ लंबे प्याज काट के भिंडी में अच्छे लगते हैं। तो प्याज देखिए यहाँ पे हो चुके हैं, इनका रंग चेंज हो चुका है, थोड़े गोल्डन से हो चुके हैं ये। और टाइम आ चुका है अभी इसमें सूखे मसाले डालने का। तो मैं इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, ये चार मसाले डालूंगी बस। और मैं थोड़ी सी भिंडी बना रही हूँ सिर्फ बच्चों के लिए ही, दोनों बच्चों की वजह से। उन दोनों को भिंडी बहुत पसंद है, हम दोनों को नहीं पसंद है। तो मसाले मैं मिक्स कर दूँगी प्याज के साथ, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी जो मैंने लंबी लंबी काट के रखी है। गोल वाली भी मैं काट देती हूँ कई बार, लेकिन इनको लंबी ज़्यादा पसंद है दोनों को, तो मैंने कहा ठीक है मैं लंबी लंबी काट देती हूँ। और भिंडी में ही मैंने जो है हरी मिर्च काट रखी है, अगर आप शायद देख पा रहे हो तो लंबी लंबी काटी हैं, वो भी अच्छी लगती है भिंडी में। मिर्च जो है आप ऐसे ही काट के डाल दो, मैं खाती हूँ लेकिन बहुत कम खाती हूँ, तो मैंने ऐसे ही लंबी लंबी हरी मिर्च काट के डाल दी है। बच्चों को दिखेगी निकाल देंगे ना, खा जाएंगे इसी तरीके से सीखेंगे। तो मैंने इसमें भिंडी में थोड़ा इस तरीके से मिर्च वगैरह करके डाल दी थी। तो मिक्स कर दूंगी मसालों के साथ और इसको छोड़ दूंगी, इसको ढको ना ढको मर्जी है। तो मेरे को अभी तोरी की सब्ज़ी भी बनानी है, तो मैं यहाँ पे जो है तोरी छीलने लग गई हूँ। मैंने कहा ये डोंगा जो है इसी में काट लेंगे। तोरी जब आई थी तब उस वक्त धोकर अच्छे से साइड में रख दी थी, अभी मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। ये वाली जो तोरी है ये छीलने में थोड़ी मुझे मुश्किल होती है, ये वाली तोरी है आप लोग देख पा रहे हो अगर, और एक वो प्लेन वाले होती है। इतना मुझे पता है कि घिया तोरी और एक ये काली तोरी, ये बोलते हैं शायद ये काली तोरी है या घिया तोरी है, मुझे नहीं पता, आप बता देना। लेकिन हाँ मैंने अपनी सास से, मम्मी से सुना था कि घिया तोरी, काली तोरी, ये वो, तो इसलिए मुझे इनके नाम पता है। तो तोरी मैं काट चुकी हूँ, और तोरी काटते काटते जो है सब्जी बन चुकी है। दो तीन बार चलाया और मैंने इसको खाली, मतलब ढक के नहीं पकाया, खुला पकाया है। मैं यहीं थी किचन में, इसको बार बार चेक कर रही थी। तो अभी मैंने भिंडी को निकाल लिया है टिफ़िन में, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे तोरई को छोंकना है। और देखिए कैसी लग रही है, देखने में ठीक लग रही है ना। तो इसको मैं निकाल दूंगी टिफ़िन में, और इसी कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। और इसमें भी मैं हींग जीरा डाल दूंगी, और हींग जीरा डालने के बाद मैंने प्याज काट के रखे हैं बारीक बारीक, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो जीरा चटक चुका है, प्याज डाल दिए हैं मैंने अभी इसमें। प्याज डालने के बाद प्याज को थोड़ा सा चला लूँगी, और प्याज को फिर होने दूँगी थोड़ा सा, इनका रंग चेंज हो जाए, थोड़े से ये भुन जाए, ब्राउन से हो जाए थोड़े, फिर मैं इसमें जो है आगे का मसाले टमाटर वगैरह करूँगी। कैसे हैं आप सब। जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है, जब से क्या मतलब, रोजाना ऐसे ही होता है कि मैं आपसे थोड़ा लेट बात कर पाती हूँ। तन्मय की क्लास चली रही है अभी, 10-15 मिनट और है उसकी क्लास में, लेकिन अभी जो लास्ट का पीरियड होता है 2 बजने से पहले, वो उसका ओरल का होता है, राइम्स वगैरह, तो वो उसको गुड्डू करा रही है बैठ के अंदर, और वो दोनों कर रहे हैं, वो सुना रहा है अपनी मैम को। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। आज मैंने बहुत टाइम बाद अपना ये वाला सूट पहना है, ये मुझे जिनका बुटीक है शायद लुधियाना में, उन्होंने भेजा था। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका, और हल्का कलर है, तो मैंने सोचा कि चलो गर्मी है पहन लेते हैं। वैसे ये अस्तर वाला सूट है,
मेरे पास जितने भी सूट हैं वो सारे अस्तर ही हैं, लगभग अस्तर वाले सूट ही हैं। कुछ ही चार पांच सूट ऐसे होंगे जो बिना अस्तर के हैं, जिन्हें मैं रोज छांट छांट के पहन लेती हूँ। अब जैसे कि आप लोगों से बातचीत करनी है, वीडियो बनाना है, तो ये रहता है कि एक ही कपड़ा कम से कम 3-4 दिन बाद रिपीट हो, अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को लगेगा अभी तो पहना था, इस वजह से कुछ कमेंट आ जाते हैं। तो मैंने फिर आज बहुत ढूंढ कर ये वाला सूट निकाला, दिख गया ये मुझे, मैं इधर ढूंढ रही थी ये दिख गया, तो मैंने कहा चलो ये वाला पहनते हैं। तो 2 बजने में अभी जो है 15-20 मिनट है, मैं खाना खाऊंगी, सुबह से नहीं खाया है। इन लोगों का हो चुका है थोड़ा बहुत सुबह में, थोड़ा बहुत दोपहर का जब इसके पापा जाते हैं तो ये लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं कुछ उस टाइम पे, मतलब एक आधी रोटी है, एक आधा पराठा। तो मैंने भिंडी बनाई है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो इन्होंने भिंडी तो पसंद है दोनों को, तो भिंडी के साथ उस टाइम भी खाया और शायद अभी भी खाएं। मैंने रोटी बनाकर रख दी थी उसी टाइम, अपनी भी बनाकर रख दी थी क्योंकि बार बार किचन में किचन में किचन में। तो अभी मैं अपनी रोटी खाऊंगी तोरी के साथ, हम लोगों के लिए तोरी बनाई थी, इन लोगों के लिए भिंडी बनाई थी। भिंडी ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, और इस दफ़ा क्या है कि भिंडी इनको भी ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ी बहुत खा लेते हैं, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई थी। तो चलिए चलते हैं, पंखा चला छोड़ देती हूँ, अभी आना है किचन में। तो मैं तो चूर के खाऊंगी तोरी के साथ, रोटी सब्जी वैसे लेके नहीं खाऊंगी। गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इधर ये दूध रखा हुआ है, इसमें मुझे दही जमानी है और दूध भी लेना है अभी, लेकिन टाइम नहीं मिला था तो मैंने कहा जमा लूंगी, कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा सा और गर्म भी करना पड़ेगा इसको। मलाई हटाऊंगी इसकी, तब जमाऊंगी, और ये तोरी की सब्जी। चलिए फिर मैं रोटी डालती हूँ अपने लिए। खाना खाने के बाद मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे कढ़ाई खाली कर रही हूँ तोरी की सब्जी की। भिंडी मैंने पहले ही खाली कर ली थी, और उसी भिंडी की कढ़ाई में मैंने जो है तोरी छोंक ली थी। ऐसे चल जाता है, जैसे आप सूखी सब्जी बना रहे हो फिर आपको कुछ और भी बनाना है तो आप उसमें छोंक सकते हो, तो मेरी जो है तोरी की सब्जी मैंने उसी में छोंक के बना ली थी। तो अभी जो है कुछ बर्तन हो गए हैं खाने पीने के हैं, कढ़ाई खाली करी है वो है, तो मैं इन सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। मुझे लगता है गर्मी में बर्तन ज़्यादा होते हैं सर्दी की अपेक्षा। गर्मियों में क्या होता है कि बार बार पानी पीना, ग्लास हो जाना, फिर जो है कभी कभार क्या होता है कि हम लोग शरबत बना लेते हैं या फिर शिकंजी बना लेते हैं, लस्सी बना लेते हैं, कुछ भी ऐसा बनता है तो ग्लास वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे वही अपना बर्तन पहले मैंने कहा कर लेती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ मैं ये कर क्या रही हूँ, इधर ये पतीला उधर वो पतीला उधर वो डोंगा। तो यहाँ पर मैं दही जमाने की जो प्रक्रिया है मेरी वो मैं कर रही हूँ। इसमें दूध गर्म किया था जो आपको दिखाया था, ये वो है, इसको छान रही हूँ, हल्की सी परत आ रखी है मलाई की, वो हटा दूंगी, और दूसरा दूध जो इस पतीले में बड़े में थोड़ा सा था वो भी मैं इसी में ले लूँगी, और मैं इसकी भी दही जमा दूंगी। थोड़ा सा था क्योंकि मैंने कहा मैं इसको क्या करूँगी, एक पतीले में और रखा हुआ है, शाम को दूसरा आ जाएगा, तो इसकी दही जमा देते हैं। और गर्मियों में दही ज़्यादा खाई भी जाती है, हालांकि मैं दही रोज़ नहीं जमाती हूँ, आज जमा रही हूँ कल नहीं जमेगी, इसी से ही हो जाएगा आज और कल हम लोगों का। और बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर, बाहर बैठकर ये जो आपने देखा होगा डाइनिंग वाले कमरे में रखा रहता है एक बड़ा सा गमला, उसके अंदर रहता है ये पत्ते वाला, कुछ क्या बोलते हैं इसको, तो उसको मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। उसके पत्ते वगैरह धोए थे मैंने, तो इसको लगा दूंगी, सेट कर दूंगी, और उसके बाद इसको कमरे में रखाऊंगी। बहुत सारे कपड़े भी धुले थे आज, मशीन लगाई थी कल, आप लोगों को पता ही है तेज आंधी तूफान की वजह से मशीन रह गई थी। अब आगे आगे शाम को मशीन लगा तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि शाम में आंधी तूफान बारिश आ जाया करेगी, जिसकी वजह से कपड़ों का काम बहुत बार रुक जाया करेगा क्योंकि लाइट पानी सब कुछ चला जाता है। तो बस मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है, ये यहीं पर रहता है और बहुत सुंदर लगते हैं ये बड़े बड़े से पत्ते। तो उसके बाद मैं बाहर से बाल्टी लेकर आई हूँ भर के, क्योंकि अंदर पानी नहीं आ रहा था लेकिन बाहर आना शुरू हो गया था कम कम, तो मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ। ऊपर टंकी का भी डाल सकते हैं लेकिन वो गर्म होता है, लेकिन जो ताज़ा ताज़ा आ रहा होता है वो ठंडा पानी होता है, तो वो एक बाल्टी मैंने इसमें कूलर में डाल दिया है। कल भी मैंने इसमें एक बाल्टी डाला था, आप लोगों को याद होगा, लेकिन हुआ क्या, मैंने कूलर चलाया और उसके बाद लाइट चली गई थी, तो वो पानी ऐसी मेहनत बेकार गई।
तो अभी मैं कूलर चला कर बैठ चुकी हूँ और जो इनके टी शर्ट्स वगैरह हैं वो तय कर रही हूँ। मशीन लगाई थी जैसे कि आप लोगों को बताया, तो थोड़े थोड़े कपड़े मैं उतार के तय करती रहती हूँ, जो जो रहते हैं ऊपर सुखाती नहीं हूँ, बाहर टीन के नीचे सुखाती हूँ, तो जितने भी मुझे सूखे लगते रहते हैं मैं लाती रहती हूँ। बाहर जब भी चक्कर लगता है तो मैं दो चार कपड़े अंदर ले आती हूँ, तो इस चक्कर में मैं इनकी टी शर्ट लेकर आई, इनको तय कर रही हूँ। तो चलिए आज आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये भूमि की तस्वीर है जो अभी हाल ही की एक दो दिन पहले की तस्वीर है। मेरा मन आया तो मैंने कहा चलो ये तस्वीर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो भूमि है जिसको आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद चलिए राधिका से भी मिल लीजिए। आज मैंने आपको राधिका से मिलवा ही दिया भले ही तस्वीरों के जरिए। तो ये मेरी छोटी भतीजी है राधिका, बहुत प्यारी हो गई है, बड़ी हो गई है और बाल कर्ली कर्ली से हैं इसके, बहुत सुंदर घने से। उसके बाद ये दोनों शैतान, इनकी तस्वीर ना दिखाती तो बोलते कि मम्मी राधिका की भी दिखाई, भूमि की भी दिखाई, हमें नहीं दिखाया। उसके बाद ये तस्वीर मेरे पापा की है, अब ये तस्वीरों में ही रह गए हैं और ये तस्वीर ही हमारे लिए खजाना है, क्योंकि जब भी दिल करता है पापा और भाई को हम इन तस्वीरों में देख लेते हैं। ये मेरे बड़े भैया हैं भूमि के पापा, तो ये मेरे भाई और भूमि की तस्वीर है, भूमि के बर्थडे वाले दिन की है। और ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये भी भूमि के बर्थडे वाले दिन की ही फ़ोटो हैं। उसके बाद अब जो तस्वीरें शुरू होंगी ये मेरे भाई की शादी की तस्वीरें हैं, जिसमें मैं और मेरी मम्मी हैं, मेरे छोटा भाई है जिसकी शादी थी, ये भी मेरा छोटा भाई और मैं हैं। मैं अपने भाई का टीका कर रही हूँ, वो कुछ रस्में होती हैं ना टीका वगैरह करने की, तो वो रस्में हो रही थी उस वक्त। उसके बाद ये मेरी ही फ़ोटो है, मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ। बाल मैंने कटवाए हुए थे, बड़े छोटे छोटे कराए हुए थे। यहाँ पर मैं और भाभी हैं और बस यहाँ पे वो जो होता है ना हार वगैरह डालते हैं उसको ले के फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो सब है। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं मैं और ये, तो मंदिर जा रहे थे बीच बीच में, फ़ोटो भी खिंच रही थी, तो ये वही वहीं की फ़ोटो है बीच रास्ते की। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी बड़ी मामी है और मैं हूँ, ये तस्वीर भी शायद मंदिर की ही है। उसके बाद ये मैं और मेरी बड़ी भाभी हैं, ये तस्वीर भी मंदिर की ही है, जब मंदिर जाते हैं और कुछ रस्में होती हैं। उसके बाद ये लास्ट तस्वीर है मम्मी और टीना की। तो अगर आप लोगों को तस्वीरें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो शाम का टाइम हो रहा है और आज फिर आंधी तूफान सा आ रहा था बहुत तेज, मुझे तो पता भी नहीं चला। टाइम 6 बज रहे हैं, ये आ गए हैं, नहा लिए हैं, 6:15 का टाइम है। मैं कूलर लगाया है यहाँ पे और सो गई, कपड़े बाहर पड़े थे वो उड़ भी गए थोड़े बहुत, मतलब नीचे गिर गए थे वो, तो अच्छा हुआ मैंने बहुत सारे कपड़े तय वह करके रख दिए थे। लाइट आ नहीं रही है, मैंने दही भी जमने रखी थी, दही भी देखती हूँ जमी के नहीं जमी। तो लाइट आ नहीं रही है और मैं इन्वर्टर से चलाऊंगी, तो यहाँ पे इन्वर्टर है गैलरी में, तो मैं यहाँ पे सब कुछ करके ले आई हूँ, चीनी दही पानी बर्फ सब कुछ। थोड़े से चिंटे बाहर आ गए। कितनी बढ़िया लस्सी बनकर तैयार हुई है, झुके झुके वाली, और वो भी खूब सारे झाग आए हैं। मुझे बन गई मीठा था मैं।
तो इनको मीठा कम लग रहा है, मुझे भी लग रहा है डर डर के, तो फिर बजट नहीं लेगा। सुबह तो खैर वो वाला मीठा चाहिए इन्हें ना, चीनी ऐसे करके चाय में, और चम्मच लोग ज्यादा खाते हैं मीठा भी, और फिर तिल मीठा है दादी नहीं, जितना भी मीठा कम नहीं है इसमें कि आप मेरे को इतना बताओ, कम तो है यार तू बता। अच्छा एक चम्मच और होना चाहिए, पर मैं मीठा कम कर रही हूँ इसलिए कम डाल। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वही हो रही है यहाँ कब होगी, कल यहाँ पे ना हुई तो आज को लगती है, आज भी हो सकते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ फोटो देखी जिसमें मेरी बड़ी भाभी है, टीना है, मम्मी है, रूपक है, पापा है, भाई है, छोटे वाली गुड़िया है, भूमि है, तन्मय गुड्डू भी हैं। तन्मय गुड्डू की इसलिए फिर वो नाराज हो जाते, गुड्डू नाराज हो जाती है मेरी फोटो क्यों नहीं दिखाई, तो फिर वो सारी फोटोज मैंने आप लोगों को दिखाई। और मम्मी देखा ही होगा आपने, इंसान को गम वो कर देता है कि उसका कुछ खा, अभी मम्मी ज्यादा अपना ख्याल नहीं रखती है, खाने पीने का भी हुआ, काम का बहुत ज्यादा उनपे हुआ है, फिर वो सोचती बहुत ज्यादा है और दुनिया का ज्यादा सोचती है, वो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, जबकि कोई कुछ नहीं कहता, सब अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन फिर भी मम्मी को रहता ही है। पर मैं चाहती हूँ मैं उनको हमेशा खुश रखूँ, वो हंसती रहें, पहले की जैसी हो जाएं, जैसे पहले थी। बोलती तो मम्मी हमेशा से ही कम है, लेकिन जब बोलती हैं बिल्कुल सटीक बोलती हैं, मुंह पे बोलती हैं जो भी उनको बोलना होता है। हालांकि कुछ लोगों को वो बातें बुरी भी लग जाती हैं, क्योंकि मुंह पे बोलने वाला बुरा ही होता है अक्सर। और मेरे मम्मी पापा मतलब जो इधर वाले हैं, सास ससुर, उनकी फोटो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आज वो भी कमेंट था तभी मैंने वो फोटो ऐड की। कमेंट्स में रात में पढ़ती हूँ आराम से बैठ के, लेकिन दिन में मैं पढ़ती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है। उसमें कमेंट था, रश्मि आपने वो फोटो तो डाली ही नहीं जो उस दिन बोला था भाई की शादी वाली, तो आज मैंने फिर वो तुरंत उस कमेंट को पढ़ते ही किया। फिर अभी जब सोकर उठी कमेंट पड़ा कि रश्मि अपने मम्मी पापा की भी फोटो दिखाना, मतलब सास ससुर की, तो वो फोटो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और एक नई चीज अब हो रही है, मतलब कोरोना का इतना वो हुआ, खूब हुआ, खूब न्यूज देखी, पहले तो बहुत ज्यादा देखी, अभी कल से, कल रात अचानक से मैं YouTube ऑन किया, उस पर ब्रेकिंग न्यूज में वो न्यूज आ रही थी, वो टिड्डियों, जो टिड्डियां आ रही हैं, मैंने वो कितनी सारी वीडियो देखी फिर रात रात में, एक एक मिनट की थी, दो दो मिनट की थी, न्यूज चैनल वालों की वीडियो भी होती है YouTube पे, उनका भी चैनल होता है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और मैं बहुत डर गई। मैंने कहा यार बाहर कल को, मतलब जैसे रात के टाइम में सोची थी यार कल बाहर निकलेंगे कहीं वो अचानक से ना आ जाए टिड्डियां, क्योंकि वो राजस्थान में पहुंच चुकी हैं, मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी हैं। आपने सुना है उनके बारे में? उत्तराखंड में जाने वाली बोलो, चाहे झूठ ना बोलो, खाई मेरी कसम, यूपी में तो आई गई मेरी कसम, गाँव पहले इनको मैं वोट डाल नहीं आ सकती, उसमें क्या है, मैं कोरोना से इतनी नहीं डरी जितना उनसे डर जाऊंगी, क्योंकि मुझे ना थोड़े जीव जंतु जो ये ऐसे वैसे होते हैं इनसे डर लगता है, टिड्डे से तो मुझे पहले से ही बहुत डर लगता है। सही बताओ तुम्हें किसने बताया उत्तराखंड में आ जाएगी, जब यूपी तक आ गई थी इन्होंने, उन्हें के लिए रास्ता बदलवाना पड़ेगा अलग से, बना हुआ है ऊपर वाला। यार उनसे बहुत डर लगता है। मैं तन्मय गुड्डू को दिखा रही थी, तन्मय तो यकीन ही नहीं कर रहा था, झूठ बोल रहे हो, गुड्डू भी कह रही थी, मैंने कहा नहीं बेटा घर में ही रहा करो, बाहर मत निकला करो, क्योंकि आजकल वो निकल जाते हैं, भाभी की साइड चल जाते हैं कार्तिक लक्की के पास और कुमकुम तनु के पास चले जाते हैं, तो मैं बोल रही थी बाहर ना निकला करो, क्योंकि अगर वो एकदम से आ गई, वो तो बहुत सारी आती हैं, किस तरीके से दिखा रहे हैं वीडियो में पूरी की पूरी, मतलब जैसे ये टीन है ना, अगर वो इस पे आ गई वो टीन दिखेगी नहीं बिल्कुल भी, इस कदर उनकी चादर सी हो जाती है, पेड़ पे दिखा रहे हैं, पेड़ पे ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ सूख गया हो और वो पूरे पेड़ पे भरी हुई है, पता नहीं झूठ है सच है, वो झूठ थोड़ी है यार, मुझे बहुत हुआ, मुझे ना रोंगटे से हो गए थे और अभी भी हो गए, और रात भी जब मैं वो देख रही थी मैंने कहा ये कैसे, आप लोग भी ध्यान से रहना और मुझे बताना कि आप लोगों ने भी सुना है क्या उसके बारे में, जैसे कोई राजस्थान से देख रहा है तो वहां से बताना कि उन्होंने देखी है क्या वो टिड्डियां,
कि उनका पूरा दल उड़ा हुआ है, बहुत भयानक। मतलब ये हो क्या रहा है 2020 में, हो क्या रहा है, कोरोना आया, फिर वो तूफान आया, फिर अब ये टिड्डियां आ गई, मतलब हद हो गई भैया, पता नहीं क्या क्या होके रहेगा, डर लगता है कभी कभी। और हाँ एक बात और, कुछ मेरे जो मुस्लिम सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने ईद की मुबारकबाद नहीं दी, तो आप लोगों ने शायद मेरा संडे वाला वीडियो नहीं देखा, मैंने एडवांस में आप लोगों को ईद की मुबारकबाद दे दी थी, जो रविवार में वीडियो गया था, रविवार की शायद 14 तारीख थी, तो उस दिन मैं 24 तारीख थी, तो 24 तारीख को रविवार को मैं ईद की मुबारकबाद दी थी मैंने। ऐसा नहीं है कि कोई भी त्योहारों में मुबारकबाद ना दूं। और बस अभी जो है काफी टाइम हो गया है आप लोगों से बात करते करते, मैं सोची कि यहीं पर अब वीडियो एंड कर देते हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा वरना ये। आप क्या कहते हो किस चीज में, टिड्डियों के बारे में? टिड्डियां बहुत खतरनाक है, कृपया सतर्क रहे। ये कुछ ज्यादा हो गया ना भाई, टिड्डियों का वो ज्यादातर नुकसान फसलों को है, उसका इंसान को नहीं कर रही, इंसान को इतना थोड़ी है जितना फसलों को है। यहाँ आ गई जैसे माई चांद सारे में आ गई, यहाँ पे मैं अंदर हूँ, मैं एकदम आई, वो मेरे ऊपर आएंगी तो मैं मर जाऊंगी, खा जाएंगी, वो खा जाएंगी, मांस मांस निचोड़ जाएंगे सारा। ये देखो ये पति है, खून भी पी जाएंगी, देखा ये ऐसे है, टिड्डियां पी जाएंगी खून, वैसे वो फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ बोल रहे हैं कि इस बार मतलब आगे के टाइम में ऐसे हो सकता है कि क्या बोलते हैं, सरसों की फसल और गेहूं महंगा, आटा और सरसों का तेल महंगा हो जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है दुनिया में, क्या नहीं होने वाला है, कुछ समझ से बाहर है क्या चल रहा है। चलो भाई बताना आप लोग भी मुझे, और यहीं पर हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज मैं गुड्डू के लिए कपड़े लेने भी नहीं जा पाई, कल वल में जाऊंगी, जाना पड़ेगा, या तो कल, 3 दिन है अभी मेरे पास, वीरवार शुक्रवार शनिवार, अब देखते हैं कब जा पाती हूँ। आप पार्लर क्यों जाते हो? सुंदर बनने के लिए। अभी तो आप सुंदर नहीं लग रहे, काफी सुंदर बजो हो। मैं पार्लर जाऊंगी तब सुंदर बनूंगी। काश वो ही वाला लहंगा पहन ले मम्मी। कौन से वाला पहन? यहाँ बैठ के कर रहे थे। अच्छा गुट्टू रुक, नहीं नहीं नहीं, कहाँ जाएगा गुट्टू? भाई का हाथ पकड़ ले, क्या? हाथ पकड़ के।